जैदा पंचायत बनी अधिकारी और सेक्रेटरी की लूट का अड्डा, दोनों ने मिलकर जमकर लगाया सरकार को चूना। जैदा पंचायत में 11 लाख रुपए की लागत से नरेगा योजना में रोड का निर्माण होना था, जो सरपंच, सेक्रेटरी और इंजीनियर से मिलकर रोड का निर्माण जेसीबी मशीन के द्वारा कराया, जबकि इस रोड का निर्माण लेबर के द्वारा होना था, लेकिन लेबर से ना कराते हुए मशीनों के द्वारा कराया गया और रोड को अधूरा ही छोड़कर उसकी पूरी राशि निकाली गई। उसे निकालकर सरपंच, सेक्रेटरी और इंजीनियर ने मिल बांट कर हड़प ली। उस रोड का नाम है कसाना वेयर हाउस से रोड बनाया था, आगे तो बना दिया लेकिन उसके पीछे का रोड अधूरा छोड़ दिया, उसकी राशि निकाल ली गई। धरातल पर अभी तक रोड अधूरा पड़ा है, जिस रोड में कीचड़ हो रहा है, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, लोगों को दूसरे रास्ते से आना जाना पड़ता है। इन सब ने मिलकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया। रोड बनी है जो मजदूर से काम कराए को मशीन से काम कराए, रोड मशीनन से चला पूरा काम, पूरा मजदूरन से कोई काम नहीं कराया, गड्ढा वड्ढा नहीं लगाया मजदूर से, कुछ काम नहीं। अच्छा, तो कहीं भी नहीं सर सेक्रेटरी ने कि भाई मजदूर से रोड बननी है, वो मजदूर से बननी है कि मशीन से बननी है? नहीं, कहीं पूरे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चले। अच्छा, जेसी ट्रैक्टर। अच्छा, कब बनी है रोड? ये बनी है अभी बरसात में। बरसात में तुमको काम पे ही लगाया उन्हें? अच्छा, तो तुमने पूछी नहीं क्या रोड मतलब कैसे बन रही है, कैसा है? बताए नहीं। अच्छा, तुमको कोई काम नहीं मिले रोड पे? कोई काम नहीं मिला। कशो गांव है? ये कौशल पर है? नहीं, ये कशी पंचायत में आवा रोड है, जेदा में। जेदा में, ठीक है। काय नाम तुम्हारो? गंगाराम। तुम्हारो? ठीक है। जो जेदा पंचायत में ये जो रोड बनाई गई है कंसाना के बेराव से लेकर कमला वाले के खेत तक, तो इसमें अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ? इसमें सरपंच और सेक्रेटरियों ने कोई काम नहीं करवाया है, जबकि ये नरेगा की रोड है, इसमें मजदूरों द्वारा काम नहीं कराया गया है। इसमें जेसीबी से मिट्टी डलाई गई है और ट्रैक्टर से सादा रोड पे चाटी चला के और वैसे लिपा पोती करके हल्की मिट्टी डाल के और काम को बंद कर दिया गया है और पूरा रोड अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा क्यों पड़ा है? अधूरा सरपंच सेक्रेटरियों ने कोई काम नहीं कराया है और अधिकारियों से मिलकर, सब इंजीनियर से मिलकर पूरे पैसे निकाल के और यहीं काम को ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, ठीक है।